हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राम मंदिर निर्माण के लिए भाजपा की बैठक में कुल 2.25 करोड़ की निधि समर्पित। हमारा उद्देश्य भवन निर्माण करना नहीं है बल्कि भावनाओं का निर्माण करना है। प्रांत प्रचारक योगेंद्र। राम मंदिर निर्माण में हर भारतीय का हो योगदान। शेखावत। श्री राम मंदिर निर्माण समर्पण निधि के राष्ट्रव्यापी महाअभियान के अंतर्गत आयोजित बैठक में शामिल हुए केंद्र मंत्री। सालेचा परिवार ने 31 लाख रुपए किए समर्पित। अल्पसंख्यक समुदाय ने 25 लाख का सहयोग। रातानाड़ा स्थित माहेश्वरी भवन में भाजपा जिला संगठन की ओर से प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण समर्पण निधि के संग्रहण को लेकर एक वृहद बैठक का आयोजन किया गया, जिनमें मंच पर विशेष तौर प्रांत प्रचारक योगेंद्र, केंद्र जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रसन्न चंद मेहता, भाजपा जोधपुर शहर जिला अध्यक्ष देवेंद्र जोशी, नगर निगम दक्षिण महापौर सुश्री वनीता सेठ, नगर निगम दक्षिण उप महापौर किशन लड्डा, कार्यक्रम संयोजक एवं जिला महामंत्री देवेंद्र जी सालेचा, जिला महामंत्री महेंद्र मेघवाल, डा करनी सिंह खींची मौजूद रहे। भाजपा संभाग मीडिया प्रभारी जगदीश ठांडिया ने बताया कि भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र जोशी ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए मंचासीन अतिथियों को श्रीफल व दुपट्टा देकर सम्मान किया। इसके पश्चात कार्यक्रम संयोजक एवं जिला महामंत्री देवेंद्र सालेचा ने प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण में समर्पण करने वाले महानुभावों को मंच पर आमंत्रित करते हुए उनका स्वागत श्रीफल एवं दुपट्टा देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान अल्पसंख्यक वर्ग के समुदाय ने भी 25 लाख रुपए का सहयोग करते हुए अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। वहीं गुलाब चंद सालेचा परिवार ट्रस्ट ने 31 लाख समर्पित किए। बैठक में कुल 2.25 करोड़ की राशि समर्पित की गई। इस अवसर पर स्थानीय सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण में हर भारतीय का योगदान हो। कोई भी इस पुनित कार्य में पीछे नहीं रहे, क्योंकि ये अवसर जीवन में पहली और आखिरी बार आएगा। श्री राम मंदिर निर्माण समर्पण निधि के राष्ट्रव्यापी महाअभियान के अंतर्गत कहा कि सनातन संस्कृति के आधार बिंदु प्रभु श्री राम का मंदिर जन्म स्थान पर बने, इस आकांक्षा के साथ लाखों लाखों लोगों ने बलिदान दिया। उन्होंने अपनी जवानी और जीवन दोनों समर्पित किए। ये विषय साधारण मानवीय के मन मस्तिष्क में बना रहे और जिंदा रहे, इस दृष्टिकोण से अनेक लोगों ने परिश्रम किया, उसी का परिणाम है जो आज ये शुभ घड़ी और शुभ दिन आया है। हम सब सौभाग्यशाली हैं जिस लक्ष्य को लेकर इतने वर्षों तक संघर्ष हुआ, उसकी पुनरावृत्ति करने का हम सबको अवसर मिला है। इससे बड़ा सौभाग्य का विषय हम सबके लिए कोई हो ही नहीं सकता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारी इतनी पीढ़ियों ने जिस विषय को लेकर बलिदान किया, उन भगवान श्री राम की ध्वजा के दर्शन का सौभाग्य हम सबको जीवन में मिलेगा। मेरे पिताजी ने भी परिवार की तरफ से सहयोग दिया है। मुस्कुराते हुए उन्होंने बताया कि जब पिताजी ने पूछा कि सहयोग राशि में नाम किसका भरना है, तो मैंने कह दिया कि मुझे ध्यान नहीं है, आप स्थान खाली छोड़ दो। तब पिताजी ने कहा, तो तेरा नाम नहीं भर देना। शेखावत ने कहा कि आपने बहुत सारी जगह पर सहयोग दिया होगा, लेकिन वो अवसर जीवन में कई बार आ सकता है। ये जो अवसर है, ये जीवन में पहली और आखिरी बार आएगा। उन्होंने कहा कि भारत भूमि पर जन्मे किसी भी समुदाय या संप्रदाय के लोगों को स्वतः प्रेरणा से राम मंदिर के लिए सहयोग करना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रांत प्रचारक योगेंद्र जी ने अयोध्या में प्रभु श्री राम के जन्म स्थल पर मंदिर निर्माण को लेकर 500 वर्ष से चल रहे संघर्ष के इतिहास का विस्तार से वर्णन की कि किस तरह से भक्तों ने श्री राम मंदिर के लिए अपनी आहुति दी और संघर्ष करते हुए शहीद हुए। उन्होंने कहा कि रामलला का ध्यान करो, मंदिर का निर्माण करो स्लोगन दिया। उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि मंदिर निर्माण में अल्पसंख्यक समुदाय भी बढ़ चढ़ कर भागीदारी निभा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य भवन निर्माण करना नहीं है बल्कि भावनाओं का निर्माण करना है। इस अवसर पर मंचासीन अतिथियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम में प्रांत प्रचारक प्रमुख पंकज कुमार, सह प्रचारक प्रमुख हेमंत घोष, महानगर कार्यभार रामचंद्र, सीमाजन कल्याण समिति के मंत्री उत्तम, नरेश सुराणा, विजय राजौरिया, जनप्रतिनिधि, विधायक, पार्षद, जिला पदाधिकारी, मंडल एवं मोर्चा पदाधिकारी, शक्ति केंद्र संयोजक, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं ने समर्पण निधि में सहयोग किया। देवेंद्र जोशी जिला अध्यक्ष जोधपुर शहर जिला। जगदीश धांडिया संभाग मीडिया प्रभारी भाजपा जोधपुर संभाग।
जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से खास रिपोर्ट।